नमस्कार, मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी .com का स्पेशल सेगमेंट आप देख रहे हैं जो कि है खबरें अलग थलग। बच्चों की क्यूटनेस के वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इन दिनों एक ताजा तरीन वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो बच्चे जिंदगी का मजा लेते नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर आपको थोड़ी जलन होने लगेगी, क्योंकि भैया ऐसी तस्वीर और ऐसी खुशी तो खूब पैसा खर्च करने के बाद भी शायद ही मिल सकती है। तो पहले आप थोड़ा वीडियो देख लीजिए और फिर हम बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और लाखों लोग इसे क्यों देख रहे हैं। ये वीडियो ट्विटर यूजर कोलमेंटल ने 28 अक्टूबर को शेयर किया था। वो इसके कैप्शन में ये लिखते हैं कि जॉबलेस और बेरोजगार अपनी सबसे खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि इसे महज दो दिन में 30 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं, 2.5 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और 77,000 से ज्यादा बार इसे रीट्वीट भी किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कुत्ते का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुत्ता सड़क पर बाइक चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुत्ते का यह वीडियो वहां पर मौजूद किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और बाद में शेयर भी कर दिया। इंटरनेट पर वीडियो आते ही आग की तरह फैल गया। हर कोई इस कुत्ते को वीडियो में बाइक चलाते देखकर बिल्कुल हैरान सा हो गया। और आपको ये बता दें कि वीडियो ब्राजील का है। ब्राजील की सड़कों पर कुत्ता बाइक चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक का मालिक पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है, कुत्ता आगे बाइक दौड़ा रहा है। ट्विटर पर क्यारा सुबर्ग नाम के एक ट्विटर यूजर ने 26 अक्टूबर को इस वीडियो को पोस्ट किया था। कुत्ते के इस पोस्ट को 14,000 से ज्यादा लोग अब तक देख चुके हैं। इस वीडियो को 900 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है और 200 से ज्यादा बार इस वीडियो को रीट्वीट किया जा चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि बाइक के पीछे बैठे हुए शख्स पर लाखों का जुर्माना इस जुर्म में लग सकता है। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद इस शख्स को तलाश पुलिस भी कर रही है। इस वीडियो पर बात करते हुए पुलिस ने कहा है कि इस हरकत की वजह से किसी की भी जान जा सकती थी। 4 साल पहले एक महिला के पिता की मृत्यु हो गई थी। अमेरिका के ऑस्कर्स की रहने वाली 23 साल की चेस्टी पैटरसन ने पिछले 4 साल पहले अपने पिता को खोया था। चेस्टी ने एक दिन अपने पिता को याद करते हुए उन्हें रोज टेक्स्ट मैसेज करती थी और वह अपने पिता के मोबाइल पर भेजती थी। चेस्टी ने अपने इस मैसेज में हर दिन सारी घटनाओं के बारे में वह बताती थी। चेस्टी जानती थी कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद भी वह रोज इस नंबर पर मैसेज भेजती रही। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उस दिन हुई जब उसी नंबर से चेस्टी को 4 साल बाद एक रिप्लाई आया। चेस्टी के पिता की बीते गुरुवार को चौथी बरसे थी। हर रोज की तरह चेस्टी ने अपने पिता के मोबाइल नंबर पर इस दिन की तरह भी मैसेज किया। मैसेज में चेस्टी ने लिखा, पापा कल का दिन फिर से बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, 4 साल हो गए हैं और शायद ही कोई दिन बीतता होगा जब मैं आपको याद नहीं करती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं थी। आपको बता दें कि मैसेज में अपने ग्रेजुएशन और कैंसर को मात देने की बात में चेस्टी ने कही, लेकिन चेस्टी के 4 सालों में इस बार पिता के नंबर से उसे जवाब मिला। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी, लेकिन जो रिप्लाई चेस्टी को आया वह बहुत भावुक है। चेस्टी को रिप्लाई में लिखा कि मेरा नाम ब्रैड है और साल 2014 में एक कार दुर्घटना में मैंने अपनी बेटी को खो दिया था। आपको भेजे गए मैसेज मुझे जिंदा रखते हैं। जब भी आपको मैसेज आता है मुझे लगता है कि यह भगवान का मैसेज मुझे आया है। बीते रविवार को पेरिस में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक थिएटर में जोकर फिल्म चल रही थी। इसी बीच एक शख्स उठता है और अल्लाह अकबर कहता है। पता है इसके बाद क्या हुआ? पेरिस के ग्रैंड रेक्स सिनेमा में देर शाम 9:30 बजे का शो था जोकर फिल्म का। हॉलीवुड फिल्म जोकर चल रही थी। दर्शक इस बेहतरीन फिल्म का आनंद ले रहे थे, तभी उनके बीच में बैठा हुआ एक शख्स चिल्लाता है और कहता है अल्लाह अकबर। उस शख्स के इस नारा लगाने के बाद सिनेमा हॉल का माहौल बदल जाता है, सब डर जाते हैं, अंदर भगदड़ जैसी स्थिति मच जाती है, पूरा सिनेमा घर ही खाली करवा दिया जाता है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यह शख्स फिल्म शुरू होने के बाद कई बार यह राजनीतिक है
कहते हुए सुना गया। आसपास बैठे लोग उसे चुप होने के लिए कहते हैं। उसके बाद वह शख्स अपनी सीट से उठा और उसने अपनी सीट पर हाथ रखा और चिल्लाकर कहा, अल्लाह अकबर। अल्लाह का नाम सुनते ही सिनेमा घर का माहौल बदल गया। लोग चीखने लगे, पुकारने लगे, कुछ लोग अपनी सीट छोड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगे। और इसी शोर के बीच किसी ने यह भी कह दिया कि अल्लाह का नाम लेने वाले शख्स के पास बंदूक भी है। वह शख्स भी सिनेमाघर से भागने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर सिनेमाघर के बाहर खड़ी पेरिस पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी उम्र करीब 34 साल के करीब बताई जा रही है। उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कई मौकों पर कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन से जुड़े दहशतगर्द घटना को अंजाम देने से पहले अल्लाह अकबर कहते हुए सुने गए हैं। अलग थलग खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अलग और थलग खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।